वराउल वरा का ये मतलब है कि आप किसी चौक चौराहे में अकल का तराजू खड़ा करके इनको नहीं तोल सकते हैं। ये क्या, क्या बात है? अच्छा बात है, किसी चौराहे में फिर अकल का तराजू खड़ा करके नहीं तोल सकते, किसी भी चौक चौराहे में अकल का तराजू खड़ा करके उस पर नहीं इनको तोल सकते हो। भाई खवातीन के हवाले से अगर आपने करना है, खवातीन खातून के उस हवाले से बात करें, तो जैसे ही आप कहेंगे कि खवातीन में से जितनी मर्जी कोई छोटी हो बड़ी हो, जैसे उसके अय्याम आते हैं तो वो तहारत से निकल जाती है। अब बात करो हसनैन करीमैन की मामा की, आए हाय क्या कहोगे, क्या कहेंगे? जोहर के वक्त विलादत होती है इमाम हसन की और असर की नमाज पढ़ रही है और मेरा रसूल कहता है कि पूरी ये मेरी आदमियों की हूर है ये मेरी बेटी, ये क्या है? ये वराउल वरा है, वराउल वरा है। और अब मैं चूंकि फजाइल मौला अली के पढ़ने इसलिए मैं इधर आता हूँ, ये घराना इसलिए वराउल वरा है कि सबसे बड़ा मनसब होता है कायनात में दर्जे अहबियत, दर्जे अहबियत, कौन ज्यादा महबूब है। और ये जुमला मेरे सुनने वाले याद रखें कि हम अहले ईमान, हम अहले सुन्नत, हमारा ये नजरिया और अकीदा है कि सारी ये बातें एक तरफ, इश्क रसूल इन सबसे बड़ी इबादत है। यार क्या बात है, वाह वाह, सारी इबादतें एक भाई तरफ। 30 सेकंड शाह जी, इस पे मजा तो बनता है ना, क्या बात है, सारी इबादतें एक तरफ, इश्क रसूल एक, इसके बगैर कोई इबादत है ही नहीं, इश्क रसूल। वाह 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 वाह, अब जरा गौर करें क्या बात, जब मेरे नबी ने फरमाया था कल, क्या बात है, खैबर में लौती गदन रजुलन, क्या फरमाया था कि युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलू, सारे सहाबा सारी रात कहते हैं हम सोए नहीं, और अगला दिन आया रसूल खुदा ने सब सहाबा को बुलाया और हुजूर ने फरमाया कल मैं झंडा उस बंदे के हाथ में दूंगा जो रब का भी महबूब होगा, उसके महबूब का भी महबूब होगा, और वो खुद भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। यानी अहबियत का सर्टिफिकेट मिलना है कि मुहिब रसूल भी होगा, महबूब रसूल भी होगा, मुहिब इला भी होगा और महबूब इला भी होगा। अब जब अगला दिन आता है सब, और कई सहाबा कहते हैं हमने अपने पंजों के बल ऊपर सर उठाया कि निगाहे मुस्तफा में आ जाए, लेकिन यहां तो इंतखाबे लाई हो चुका था कि आज किसको ये देना है। मेरे रसूल ने ऐसे निगाह दौड़ाई, निगाह दौड़ा कर फरमाया आयन अली इब्न अबी तालिब, अली किधर है यार रसूल, वो तो अली ने उनकी आंखों में तकलीफ हो रही है, फरमा बुलाओ उसे। अपना लुआबे दान लगाया, आंखें ठीक हो गई, मेरे नबी ने झंडा दे के क्यामत तक के लिए पैगाम दे दिया, क्यामत तक के लिए ये बात जिसे कहते हैं ना सर्टिफाइड हो गई कि कायनात में दर्जे अहबियत पर हुजूर की उम्मत में अगर कोई शख्स फायज है तो अली अली अल्लाह। ये नहीं है कि रसूलुल्लाह के बाकी सहाबा या बाकी आले बैत या बाकी हस्तियां वो हुजूर से प्यार नहीं करती थी, ये हुजूर उनसे प्यार नहीं करता था। हम इस सेंस में कहते हैं, अब मेरी मेरा पॉइंट ये खत्म होने लगा, जाहिर और मेहमान भी उन्होंने भी बात करनी है, मैं इस गुफ्तगू को यूं खत्म करता हूँ कि आप वैसे मुझे एक सवाल का जवाब दें, किसी को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे क्या लफ्ज बोलते हो? आए, और मेरे जी, जी क्या बोलते हो? बोले ना, बोले कोई कहता है जान ओए मेरी आँखा, कोई कहता है ओ मेरे बाल, जिगर दे टोटे, और जिगर दे टोटे, लेकिन हद ये होती है कि आप किसी को कह लें जान, क्या कह लें, जान, जान ये मेरी जान है, ये मेरी जान, इसमें मेरी जान। अच्छा, अब ये मेरी जान है, ये मैं और आप तो मुनाफकत करके ना ऊपर से और अंदर से और ये मेरी जान है कह सकते हैं, पर ये लब तो वो हैं ये तो वही बोलने वाले लब हैं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, निसाई शरीफ की हदीस है कि कबीला बनू वलिया के लोगों के पता चला कि उन्होंने जनाब वो बगावत कर दी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कह दो उनसे बाज आ जाओ वरना मैं ऐसे शख्स को भेजूंगा उनकी तरफ कि जो उनके बच्चों को यतीम कर देगा, उनकी बीवियों को बेवा कर देगा, माओ को रुला देगा, और होगा क्या उसका मकाम स्टेटस क्या होगा, हुवा कन्नफ्सी वो मेरी जान की, वो मेरी जान, हाय 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 हाय, सुभान सुभान। अब असहाबे पैगंबर बैठे, ये किसको कह दिया हुजूर ने? तो जनाब हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी बस में बैठे, आप फरमाते हैं देखो जो हुजूर के जूते गांट रहा है उसी को कहा है, हाय हाय हाय। अच्छा, ऐसे करके देखा मौला अली बैठ के सरकार के नालैन मुबारका की मरम्मत फरमा रहे थे, तो उनको जनाब दुरुस्त फरमा रहे थे कि सरकार ने कहीं जाना होगा, तो जैसे ही देखा हुजूर देख रहे और मुस्कुरा रहे, भाई आप बस प्लीज तोल लीजिए, तराजू रखिए, तोलिए कि मेरे रसूल के इन लफ्जों में कितनी बड़ी गहराई है कि वो मेरी जान की तरह। हुजूर वक्त
तो जाहिर है वक्त वक्त ही होता है, लेकिन आप इतने हिस्सा डाल लीजिए फिर मैं वक्फे पे जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जहाँ बात छोड़ी है, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से वहीं से बात आगे बढ़ा रहा हूँ। अहबियत जो दर्जा है, उस दर्जे से एक दर्जा और आगे मिन्नियत का है, मिन्नियत, और मिन्नियत से एक दर्जा और आगे बजाइयत का है, बजाइयत। ये अहबियत का दर्जा, मैं एक तालिब इल्माना गुफ्तगू है, मुमकिन है कि तरतीब में ये जो कल मैं अलम उसे दूंगा कि जिसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहता होगा। अच्छा, कुरान मजीद सूरह मुबारक माईदा की 54वीं आयत में 6 सिफतें बयान हुई हैं उन लोगों की जो फिर 3 विलायतों के हामिल होंगे और फिर हिजबुल्लाह करार पाएंगे। यानी आप 54वीं, 55वीं और 56वीं आयतों को तीनों को जोड़कर अगर देखें तो क्या हसीन मंजर बनता है। 54वीं आयत के अंदर अल्लाह ने उन लोगों की निशानियां बयान की हैं जिन्हें अल्लाह, रसूल और अली की विलायत मिलेगी। और फिर 56वीं आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने बयान किया कि फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल ग़ालिबून, अल्लाह का हिज़्ब, अल्लाह का गुरु ही हमेशा गालिब रहेगा। आज कुछ भी होता रहे, माजी में कुछ भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन आपने क्या नहीं देखा कि इतना कुछ होने के बाद जिसका जिक्र रोकने की इतनी कोशिशें हुई हों, आज सबसे ज्यादा उसी का जिक्र है या नहीं? क्योंकि वो हिज़्बुल्लाह है, क्योंकि वो अल्लाह का गुरु है और अल्लाह का गुरु ही हुमुल ग़ालिबून। जंगे ओहद के अंदर जो मंजर बना वो आप सब तारीख जानने वाले पढ़ने वाले जानते हैं। 17 लोग रह गए थे और अली मौला ऐसे लड़ रहे थे जैसे लोग लश्कर की बुनियाद पर लड़ते हैं। तो उस मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द खड़े हो जी, और आप तन्हा और बर्क की मानिंद बिला तशबी, मैं मने से मैं सरा कल्ब लश्कर, अली मौला इस अंदाज से तन्हा जंग लड़ रहे थे। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इंसान को हौसला मिल रहा होता है मेरे साथ इतने लोग हैं, मगर अली मौला को ये फिक्र नहीं है कि मेरे साथ कितने लोग हैं, अली को ये यकीन है मेरे साथ अल्लाह और रसूल है। क्या बात है! और जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल अली के साथ, क्या बात है, क्या बात है! तो उस वक्त में हातिफ़े गैबी की आवाज़, हजरत जिब्रील अमी की आवाज़ गूंजी, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और फिर नबी की खिदमत में आके हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह देख रहे हैं अली कैसे लड़ रहे हैं? तो जैसे ही जिब्रील अमी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह देख रहे हैं अली कैसे तन्हा लड़ रहे हैं, फरमाया कैफा ला इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, कैसे कैसे ना लड़े, वो मुझसे है और मैं उससे हूं। और जिब्रील का वो जुमला, बस फिर उसके बाद आप वक्फा लीजिए, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अना मिनकुमा, और मैं आप दोनों से। सुभान अल्लाह, वक्फा वापस आते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।